पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंघार की महिला मित्र की आत्महत्या के मामले में कांग्रेस खुलकर सिंघार के समर्थन में उतर आई है। आज कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने पीएचक्यू में डीजीपी से मुलाकात की और उमंग सिंघार को पूरे मामले में निर्देश दिया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के दबाव में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। प्रतिनिधि मंडल ने तथ्यों के आधार पर जांच करने की मांग करते हुए उमंग सिंघार को निर्दोष बताया। आपको बता दें कि इस प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जीतू पटवारी, विधायक प्रवीण पाठक, कुणाल चौधरी सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। जो FIR हुई है उमंग सिंघार जी, विधायक और पूर्व मंत्री, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि इसमें जो एक्सपर्ट्स, एडवोकेट्स और लीगल ओपिनियन है उसके हिसाब से तो बनती नहीं है, क्योंकि महिला ने कहीं उनका नाम लिखा नहीं है। उनके उस महिला का बेटा, उसकी उनकी माँ, उन सब ने कहा कि पारिवारिक संबंध थे और उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन हमने इस चीज़ पर आपत्ति दी कि जिस तरह से उनके परिवार के लोगों को बुलाया गया, पहले स्टेटमेंट लिया गया ये ठीक नहीं है, फिर उनको प्रताड़ित किया गया, फिर बुलाया गया, तो ये इससे लगता है कि इससे पॉलिटिकाइज हो रहा है और कहीं कहीं प्रेशर है।